बिहार में नीतीश कुमार ने लगातार सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जी हां, बीजेपी जेडीयू गठबंधन वाली इस सरकार में इस बार एक सबसे ज़्यादा अलग चीज़ जो है वो है कि इस बार नीतीश कुमार के बीजेपी से सबसे करीबी नेता सुशील कुमार मोदी उनके उप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। इस बार बिहार के दो उप मुख्यमंत्री मिले हैं और दोनों ही बीजेपी से हैं। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक में बीजेपी के नेता तार किशोर प्रसाद को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है, वहीं रेणु देवी को उप नेता चुना गया है। रविवार को दोनों नेताओं के चयन के साथ ही यह संकेत मिल गए थे कि बीजेपी बिहार में अपने दो उप मुख्यमंत्री चाहती है और अब सबकी नज़र तार किशोर प्रसाद पर है। जी हां, तार किशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी के विधायक हैं, चौथी बार यहां से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने आरजेडी के राम प्रकाश महतो को 82,105 वोटों से हराया है। जी हां, उन्होंने महतो को 2005 में भी महज 605 वोटों के अंतर से हराया था। वो बिहार के सीमांचल इलाके में पार्टी के एक्टिव नेता रहे हैं, खुद को पार्टी का सीमांचल का कार्यकर्ता मानते हैं। जी हां, प्रसाद वैश्य समुदाय से आते हैं और उन्हें सुशील कुमार मोदी का करीबी माना जाता है। वो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सुशील कुमार मोदी से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। जी हां, 64 साल के तार किशोर यादव महज 12वीं तक पढ़े हैं, लेकिन बिहार बीजेपी के सीमांचल इलाकों में काफ़ी पैठ रखने वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर चुके मजबूत नेता को कैबिनेट में बिठाना, जबकि बीजेपी को अब जेडीयू पर बढ़त मिली हुई है, पार्टी को बिहार की अपनी राजनीति में काफ़ी फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा सीमांचल के इलाकों में इस बार बीजेपी के प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ऐसे में उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तार किशोर प्रसाद का बीजेपी में पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने बीजेपी के छात्र मोर्चा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जी हां, परिषद में उन्होंने कई दायित्वों को निभाया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपना पेशा कृषि बताया है और उनकी शिक्षा इंटरमीडिएट पास बताई गई है। जी हां, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरा से सुरभि की रिपोर्ट।